सर आ गया। ओ ये देखो भाई, मुबारक हो इतनी प्यारी। रुके रुके, नजर उतारनी है। फराज साहब पैसे दे। पैसे? अरे पैसे देना, नजर उतारनी। ओए ओए ओए, एक मिनट समीना भाभी, एक मिनट भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम अस्पताल आओगी। भाई हम तो आने वाले थे, बस फराज साहब ने कहा देर हो गई। हाँ भाभी, फिर वो हमने सोचा कि सुबह में आपको वेलकम कर लेंगे। अम्मा होती तो कितना खुश होती। जही भाई भी इधर दे, इधर दे मुझे। चलो अच्छा है, कोई तो होना चाहिए था ना घर पे भी। अम्मा अब्बा कहाँ है? हबीब कहाँ है? सर पता नहीं। हबीब हबीब कहाँ है भाई, उसको बुलाओ। नाना बन गया है वो, बेटी से ना सही नवासी से ही मिलने। हबीब तो सुबह से है नहीं घर पे। यानी तुम्हें मुबारक हो बहुत बहुत। चलो कोई बात नहीं, आओ खुल जाओ। सही कहाँ थे तुम? मैं बाहर था। बाहर था तो अंदर भी तो आ सकते थे ना। कैसी है तबीयत, कुछ बेहतर हुआ? ठीक हूँ मैं, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बिहेव कर रहे। वैसे ही सोच रहा था तुम्हारे और बच्ची के बारे में। अजीब से बोलते ना, यहाँ बाकी बच्ची माँ बाप बन गए। उससे ज्यादा अजीब बात तो तब होगी जब हम दोनों को मम्मा पापा कह के बुलाएगी। तो ये सोच के अजीब सा हो रहा है कि इसको संभालूंगी कैसे। इसके हाथ पैर देखो, छोटे से, इसको संभालना कितना मुश्किल होगा। और घर के काम और साथ साथ पढ़ाई भी कैसे करूंगी? छोड़ो यार उस चीज की फिक्र, चाची घर के काम देख लेंगे, इसको भी संभाल लेंगे, फिर तुम पढ़ लेना आराम से। नहीं होगा फिर। वैसे भी अम्मा बहुत काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। ये तो रो रही है, इसे चुप करवा दो। ये हो रही है, क्या करूं उसका? मैं चाची को बुला लेता हूँ, फिर ये करता हूँ, वही चुप कराएंगी। एक दो तीन। सो जाओ, सोना है मैंने। ये चाहिए तुम्हें? चाहिए? अगर इससे चुप नहीं होनी तो फिर इसका फायदा क्या? और जोर से रो। अम्मा अम्मा चुप हो जाओ, बस चुप चुप। क्या हुआ? नहीं अम्मा चुप ही नहीं हो रही है, क्या चाहिए इसे? कब से
कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 बुढ़िया रानी, बस 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 बस। दूध कब दिया था इसे? पहले याद नहीं। इसको भूख लगी है। सकती नहीं क्योंकि मैं इसकी अम्मा की भी अम्मा हूँ, इसलिए पता है मुझे। जाके रोते करा किचन से। बल्कि रुको, ये इसको पकड़ो। मैं नहीं नहीं, नहीं मुझसे नहीं संभाली जाती। अच्छा, है, अच्छा, रहती है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेट हो गई अम्मा, अभी दूध आ जाता है, अभी नीचे जा। क्या करो फाखर, अभी मैंने इसे लटाया था, वापस रोने लग गई है। या तो तुम इसको गोद में ले लो ना और टहल वहल लो, फिर सही हो जाएगी। देखो ऐसे गोद में नहीं उठा रही हूँ फाखर, अभी तक मैंने इसे गोद में उठाया नहीं है। इतनी छोटी सी, अगर ये मुझसे गिर गई तो मुझे डर लगता है। तो तुमसे नहीं संभाली जाएगी, तो तुम एक काम करो, तुम चाची को बुला लो, वो देख लेंगे। बुलाओ। मैं अम्मा को नहीं उठा रही, उन्होंने पूरा दिन इसको ही संभाला और साथ साथ किचन के काम भी किए हैं। वो अभी अभी सोई हैं, अभी उन्हें उठाऊंगी ना तो वापस से उन्हें सर में दर्द होगा। अच्छा तो एक काम करो, मैं फिर आप मुझे नहीं समझ आ रही भाई। देखो फाखिर, फाखिर कहाँ है? तैयार नहीं हुआ? बस बड़े में तैयार होने लगा। इसकी गर्दन ऐसे सीधी रखो, हाँ हाथ ऐसे रखो, गर्दन नहीं लग जाए। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? ये क्या होली है, इस तरह जाओगे ऑफिस? सही तो है, कल ही पहनी वाली शर्ट, कल तक तो ठीक लग रही थी आपको। कुछ इतिहास करो, तुम जहीर अहमद के बेटे हो, कितने खुश लिबास थे तुम्हारे बाबा। बदलो ये कपड़े, हरगिज ऐसे नहीं जाओगे तुम। इसको वो दूसरी वाली शर्ट दो जल्दी से, इस्त्री की हुई है ना, बदलो। हाँ बड़ी अम्मी, बेबी की वजह से मैं सारी रात सोई नहीं थी, तो मैं इसकी शर्ट इस्त्री करना भूल गई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऐसे जाए। ऐसे करो, ये अनाया को कॉट में डालो। अनाया? जहीर को ये नाम बहुत पसंद था, अनाया, इसलिए मैंने सोचा है कि आज से ये अनाया। चलो अनाया को कॉट में डालो, जल्दी से कपड़े इस्त्री करो, तब तक फाखर नाश्ता करता है। चलो चलो।